तो ये है हमारी मारुति सुजुकी एस्प्रेसो, जिसमें हमने फुल क्रोम किट को इंस्टॉल किया हुआ है। वहीं ये बेस मॉडल कार है, तो इसमें ये देखिए फ्रंट की जो ग्रिल की रिंग है वो भी 4 पीस इंस्टॉल की है। रियर से देखिए टेल लाइट अर्निश को इंस्टॉल किया हुआ है। अपर की बात करें तो यहाँ पे हमने मारुति सुजुकी एस्प्रेसो की रूफ रेल इंस्टॉल की है, BMW कंपनी की, जो कि गाड़ी को लगने के बाद गाड़ी के लुक को काफ़ी ज़्यादा एट्रैक्टिव बनाती है। फ्रंट में हम बात करेंगे तो देखिए टेल लाइट की जो गार्निश थी, हेडलाइट की जो गार्निश थी, और हमने की है ग्रिल रिंग इंस्टॉल, जो कि फ्रंट में आपको 4 पीस में देखने को मिल जाती हैं। तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ सारे पार्ट्स को। तो ये है हमारी मारुति सुजुकी एस्प्रेसो की फुल क्रोम किट, जो कि हमारी GT कंपनी की, जिसमें आपको हेडलाइट, टेल लाइट, हैंडल फिंगर, मिरर और फॉगलेम कवर देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए फुल किट को हम ओपन करते हैं, आपको चेक करवाते हैं किस टाइप के वो पार्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। देखिए कुछ इस टाइप से थैली में हमें पैक देखने को मिल जाएगा। ये है इसकी हेडलाइट की गार्निश। अगर हम बात करेंगे बाहर से ओपन करके, देखिए इसकी क्रोम की क्वालिटी मैं आपको जूम करके पास से दिखा देता हूँ। इसके पीछे हमने दिया होता है 3M का टेप, उस टेप को आपने ईजिली करना है रिमूव, और रिमूव करने के बाद जो गाड़ी के कर्वेचर की एरिया है उस पर इंस्टॉलेशन कर देना है। कैसे कैसे आपने इंस्टॉलेशन करना है प्रॉपर, एक फुल इंस्टॉलेशन वीडियो मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ ही अगर ये फुल क्रोम किट आपको भी अपनी गाड़ी के लिए करनी है ऑनलाइन परचेज, तो उसका सिंपल सा प्रोसेस है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया हुआ है इंस्टाग्राम का लिंक, साथ ही कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया हुआ है। वहाँ पर जाने के बाद आप हमें करना कॉल या मैसेज, मैं आपको बताऊँगा क्या इन पार्ट्स का प्राइस हो रही है, कैसे कैसे आपके पास तक पहुँचेगा। ये देखिए फुल क्रोम किट है, क्योंकि अभी मारुति सुजुकी एस्प्रेसो में आपको प्रॉपर इंस्टॉलेशन करने के बाद चेक करवाएंगे कि गाड़ी में लगने के बाद जो लुक है वो कितना ज़्यादा इंक्रीज करती है। ये क्रोम किट GT कंपनी की है। फिर देखिए पास से आपको सारे पार्ट को जूम करके पास से दिखाता हूँ, इसकी क्रोम की क्वालिटी किस टाइप की, इसकी क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है। देखिए पीछे हमने प्रॉपर 3M का टेप दिया होता है कुछ इस टाइप से, इस टेप को आपने ईजिली करना होता है रिमूव, और रिमूव करने के बाद जो फ्रंट की कर्वेचर एरिया है, जो रियर की कर्वेचर एरिया, और जो साइड प्रोफाइल की कर्वेचर एरिया आपको देखने को मिल जाती है, वहाँ पे आपने इंस्टॉलेशन कर देना। तो चलिए इन पीसों को सारे को लेके चलते हैं सीधा अपनी गाड़ी के पास, करेंगे गाड़ी में इंस्टॉल, और आपको चेक करवाएंगे प्रॉपर आपने गाड़ी में इंस्टॉलेशन कैसे करना है। तो ये देखिए प्रॉपर जो हेडलाइट की गार्निश है, इस पर हमने रख के देखना है कि पीस जो हमारे हाथ में वो लेफ्ट का या राइट का, उसके बाद ये देखिए पीछे जो हमने ड्रम का टेप दिया होता है, इस टेप को आपने ईजिली रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद वन बाई वन सारे कर्वेचर को मैं आपको सेट करके दिखाता हूँ कि ये आप हमसे ऑनलाइन परचेज करने के बाद घर पे भी आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी भी एसेसरीज की शॉप पे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए जो राइट हैंड साइड की हेडलाइट है, उसकी गार्निश को हमने इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉलेशन करने के बाद आसानी से आप इसके किसी कॉटन के कपड़े से इसको रफ कर सकते हैं, ताकि जो इसमें फिंगरप्रिंट के निशान है वो बिल्कुल भी ना आए। तो अब हम चलते हैं लेफ्ट की और लेफ्ट हैंड साइड की जो पीस है उसको सेम प्रोसेस से हम इंस्टॉल कर लेते हैं। देखिए बात करेंगे फ्रंट के ग्रिल रिंग की, तो ये देखिए बेस मॉडल आपको फुल्ली ब्लैक देखने को मिल जाता है। तो इसकी जो रिंग है वो भी हमारे पास इन स्टॉक अवेलेबल है, वो भी रिंग आपको भी देखने को मिल जाएंगी। देखिए हेडलाइट की जो गार्निश थी लेफ्ट और राइट की, वो हमने इंस्टॉल कर दी है। अब हमने किया है साइड की जो हैंडल है उसको इंस्टॉल, जो कि प्रॉपर आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगा। इसका फिंगर वॉल भी आता है, बट हमने फिंगर वॉल को इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, कस्टमर की डिमांड नहीं थी। तो फर्स्ट जो चारों हैंडल हैं सिर्फ हम उनको ही इंस्टॉल कर लेते हैं, और उसके बाद अभी हम रियर प्रोफाइल से आपको जो टेल लाइट की गार्निश है उसको भी इंस्टॉलेशन करके दिखाते हैं। ये देखिए टेल लाइट की गार्निश, अभी हमने राइट साइड की टेल लाइट की गार्निश को इंस्टॉल किया है। अभी हम जो इसकी अपोजिट साइड की एक लेफ्ट हैंड साइड की ओर आती है उसको भी इंस्टॉलेशन करते हैं। तो ये सारे जो पीस हैं आसानी से आप अपनी गाड़ी में इंस्टॉलेशन कर सकते हो। पीछे जो 3M का टेप दिया होता है, उस टेप को ईजिली रिमूव करने के बाद आप खुद से भी आसानी से अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी भी एसेसरीज की शॉप पर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फाइनली देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की टेल लाइट की गार्निश थी इंस्टॉल कर दी है, चारों हैंडल कवर इंस्टॉल कर दिए, और वहीं फ्रंट की जो हेडलाइट की गार्निश थी उनको भी इंस्टॉल कर दिया। तो ये देखिए जो ग्रिल के रिंग है इनको भी हम वन बाई वन सारे पीसों को इंस्टॉल कर लेते हैं और आपको चेक करवाते हैं। तो फाइनली ओवरऑल जो गाड़ी में हमने फुल क्रोम की गार्निश है उनको इंस्टॉल किया है, फ्रंट की जो क्रोम की ग्रिल रिंग है उसको भी इंस्टॉल किया हुआ है, और फाइनली साइड प्रोफाइल से देखिए हैंडल के कवर जो मैंने चारों पीस इंस्टॉल कर लिए। मिरर कवर कस्टमर की डिमांड नहीं थी तो हमने नहीं किया हुआ, और रियर साइड से अगर हम बात करेंगे और पीछे चल के, तो आपको टेल लाइट की गार्निश हमने इंस्टॉल की हुई है, जो गाड़ी के लुक को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करती है। रूफ की बात करेंगे तो वहाँ पर हमने रूफ रेल को इंस्टॉल किया हुआ है, क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने आपको प्रॉपर स्टेशन वीडियो बना के दिखाई हुई थी। तो हो सब वीडियो आपको पसंद आई, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को कर देना लाइक, कमेंट, शेयर, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो न्यूली मोर अपडेट्स हैं उनके नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँचते रहे। तब तक लिए बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग, मिलेंगे बहुत जल्द एक और नई फुल इंस्टॉलेशन वीडियो के साथ।